हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मे बी गिवन परमिशन को स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करें, तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आई मे बी गिवन परमिशन का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि मुझे अनुमति दी जाए या मुझे इजाजत दी जाए। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे सोचने की अनुमति दी जाए या मुझे सोचने की इजाजत दी जाए, तो आप कहेंगे आई मे बी गिवन परमिशन टू थिंक। फ्रेंड्स, अक्सर कोर्ट में आप एक वकील से ये सेंटेंस सुने होंगे, मुझे मुल्जिम से सवाल करने की इजाजत दी जाए या मुझे मुल्जिम से कुछ पूछने की अनुमति दी जाए। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जब आप कहते हैं कि मुझे परमिशन दी जाए, मुझे अनुमति दी जाए, तो आप मे बी गिवन परमिशन टू का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो मुझे कुछ पूछने की अनुमति दी जाए, तो आप कहेंगे आई मे बी गिवन परमिशन टू आस्क समथिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे एक अकाउंट खोलने की इजाजत दी जाए या अनुमति दी जाए, तो आप कहेंगे आई मे बी गिवन परमिशन टू ओपन एन अकाउंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलने की इजाजत दी जाए या अनुमति दी जाए, आई मे बी गिवन परमिशन टू स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे क्रेडिट कार्ड जारी करने की इजाजत दी जाए, तो आप कहेंगे आई मे बी गिवन परमिशन टू इशू अ क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे यह काम करने की इजाजत दी जाए, तो आप कहेंगे आई मे बी गिवन परमिशन टू डू दिस वर्क। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से काम चुनने की इजाजत दी जाए, तो आप कहेंगे आई मे बी गिवन परमिशन टू चूज माई चॉइस वर्क। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे भाषण देने की इजाजत दी जाए या मुझे भाषण देने की अनुमति दी जाए, तो आप कहेंगे आई मे बी गिवन परमिशन टू मेक अ स्पीच। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे अपने मन से काम करने की इजाजत दी जाए या मुझे अपने ढंग से काम करने की इजाजत दी जाए, तो आप कहेंगे आई मे बी गिवन परमिशन टू वर्क इन माई वे। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि जब आपको कहना हो इजाजत दी जाए या अनुमति दी जाए, तो आप मे बी गिवन परमिशन के साथ इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आप इस लेसन को शानदार तरीके से समझे, तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं?